हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक एंड कंसेप्ट दूंगा, उस ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से आप थर्मोडायनेमिक्स में इनथैल्पी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विद इन वन मिनट में और बहुत इजीली और सही कर लोगे। तो ध्यान से समझो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना, उससे बाहर कुछ नहीं है। सबसे पहले इनथैल्पी, डेट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो इनथैल्पी H क्या होता है? U प्लस PV। डेट मीन्स इनथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस PV वर्क का सम है, राइट? इसलिए अगर मैं चेंजेज लगाऊं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, डेट मीन्स ये आइडियल गैस में भी लगा सकते हैं आप और फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन कहीं पे भी लगा सकते हैं, राइट? तो ये हमारे लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला, कहीं पे भी लगा सकते हैं। नाउ आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो केस में, एक आइडियल गैस के केस में इनथैल्पी का कैलकुलेशन और एक फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में इनथैल्पी का कैलकुलेशन। तो वेरी सिंपल, आइडियल गैस के केस में फिक्स है फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। एन मोल्स हो गया, सी पी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। चूंकि वी नो डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा G, डेल्टा S, हक्स वर्ड से याद कराया था, ये चारों ही स्टेट फंक्शन है, इसलिए ये फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस में भी लगा सकते हो और इरिवर्सिबल में भी, डजंट मैटर, राइट? तो यही एक फार्मूला है आइडियल गैस के केस में, डेट्स इट। उसी को सब पार्ट हमने बनाया कि अगर आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा H जीरो, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो भी डेल्टा H जीरो, क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शन है। आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जब भी पूछा जाए डैट मीन्स वो आपसे डेल्टा H पूछ रहा है, इनथैल्पी पूछ रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वही लगा सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू एन सी पी डेल्टा T। आइसोकोरिक में भी अगेन सेम, क्योंकि ये मेन फार्मूला है, राइट? वी नो आइडियल गैस के केस में सी पी बाई सी वी गामा होता है एंड सी पी माइनस सी वी आर के बराबर होता है। तो डेल्टा H का एक और फार्मूला एन सी पी डेल्टा T या गामा टाइम्स ऑफ एन आर डेल्टा T अपॉन गामा माइनस वन। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये इतना डेल्टा U था तो गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा U। तो इन सब का यूज कैसे हो सकता है? अगर डेल्टा U गिवेन है, गामा गिवेन आपको, तो डेल्टा H मालूम है एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, आइडियल गैस के केस में बस इतना ही है बेटा। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में, चूंकि जितनी भी रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होती है, इसलिए डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा PV था, कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से बाहर आ जाएगा, तो P डेल्टा V और P डेल्टा V क्या हो जाएगा? डेल्टा NgRT। तो एक ही फार्मूला है अगेन आपको, अगेन केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। इस पर हमने कई बार बात कर लिया, राइट? जहाँ पे डेल्टा H जो है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, जहाँ पे डेल्टा U हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा NG कैसे निकालते हैं आपको बता रखा हूँ। जितने भी प्रोडक्ट वाले गैसियस वाले होंगे उन सब के स्टॉइकोमेट्री को ऐड कर लेना, माइनस रिएक्टेंट के जो गैस वाले होंगे उसके स्टॉइकोमेट्री को माइनस कर देना, राइट? तो डेल्टा एनजी निकाल लोगे, आर एक फिक्स वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर ऑलवेज कैलिन में आपको पुट करना है। तो यही एक फार्मूला है। डेल्टा H निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवेन हो, इनथैल्पी ऑफ कंबशन गिवेन हो, बॉन्ड एनर्जी गिवेन हो, ये सब हम एक सेपरेट चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में। तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको पूरा मैं डिस्कस करूँगा। तो अब ध्यान से देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि यू नो इनथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, इसलिए ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, राइट? और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हो जाएगा, डिपेंडिंग अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो P डेल्टा V, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो V डेल्टा P, और अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो P2V2 माइनस P1V1, राइट? तो ये आपको क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए से बी प्रोसेस का अगर डेल्टा H x किलो जूल पर मोल है, और सपोज करते हैं कि ए से बी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर ए से बी ही प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल हो, तो भी डेल्टा H वही रहेगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा H एक स्टेट फंक्शन है, तो उसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं है, राइट? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या उससे मतलब है, इसलिए रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो डेल्टा H को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही डेल्टा G, डेल्टा S, डेल्टा U जितने भी स्टेट फंक्शन है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ पर डिपेंड नहीं करते, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर A से B प्रोसेस का डेल्टा H x है, तो B से A रिवर्स प्रोसेस का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन, तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर ए से बी का डेल्टा एच एक्स है तो अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2x हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना, अभी यूज भी करेंगे, वेरी सिंपल है, सारे स्टेट फंक्शन में ऐसा होगा, ये भी ध्यान रखना। सिमिलरली कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा बोले हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर इतना बोल दिया है डैट मीन्स वो डेल्टा एच बोलना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में, डैट इज हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इंथैल्पी एंड हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, राइट। डेल्टा यू को डेल्टा ई भी लिख सकता है, दोनों बात सेम है, ध्यान रखना। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, किसी 2-3 रिएक्शन का डेल्टा एच दे देगा और तीसरी रिएक्शन का पूछा जाएगा, वेरी सिंपल, आपको देखना है कि इस रिएक्शन को कैसे आप अरेंज कर लो कि ये रिएक्शन आ रही है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये रिएक्शन आ जाएगी, ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ए प्लस सी गिव्स यू 2c, ऐड किया तो इसका भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका एडिशन, वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो सिर्फ इन दोनों के प्लस में क्या लग जाता, माइनस साइन, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं। तो ये पॉइंट सब ध्यान रखना है, काफ़ी बार यूज़ किया गया और बहुत ईजी होते हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन का सीन नहीं है, एकदम ईजी है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम अप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ अप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये 4 रिएक्शन गिवेन है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा गया। मैं हर टाइप का एक एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आपको PYQ में मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखो, हमें मेन रिएक्शन को टारगेट करना है, H2O हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट, रिएक्टेंट साइड में, जबकि यहाँ पे H2O प्रोडक्ट साइड में, तो इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है, उल्टा करेंगे तो एक और माइनस साइन तो प्लस में हो जाएगा, राइट, तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच आपका हो जाएगा 242। उसके बाद हमें H राइट साइड में चाहिए, OH राइट साइड में, तो यहाँ H राइट साइड में है और यहाँ OH राइट साइड में, मतलब इस रिएक्शन को ऐसे ही रखना है, बट यहाँ पे H का कॉफिशेंट 1-1 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 2-2, इसका मतलब इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, राइट, तो वो डेल्टा H कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो तो 39, और इस रिएक्शन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना हो जाएगा 218। अब अगर मैं ऐसे करके ऐड कर दूं तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका 499, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो गया 499। ऐसे करना बेटा एकदम सिंपल वे में, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जस्ट मैंने एक टाइप लिया, वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। 17 ग्राम अमोनिया कम्प्लीटली वेपोराइज हुआ तो इस टेम्परेचर पे और इतने बार प्रेशर पे, तो इंथैल्पी चेंज आपको गिवन है 23.4 किलो जूल पर मोल, तो इंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ  85 ग्राम का बताओ, इस टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे। ध्यान से देखना, ये प्रेशर ये टेम्परेचर इन सब का कोई यूज नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, इसलिए बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं, इसका यूज ही नहीं किया, उससे मतलब नहीं, हमें डेल्टा एच गिवन है इंथैल्पी, लेकिन ध्यान दे कितने 17 ग्राम अमोनिया का मतलब क्या हो गया 1 मोल, राइट, कैसे 17/17, तो 1 मोल का आपको गिवन है, तो कितना है डेल्टा एच 23.4 किलो जूल, ये 1 मोल का, हमें कितना पूछा गया 85 ग्राम, तो मोल्स निकाल सकते हैं 85/17, तो कितना हो गया 5 मोल्स, तो अब देखो ये बच्चों वाली चीज़ हो गई कि नहीं, 1 मोल का अगर 23.4 है तो 5 मोल्स का क्या हो जाएगा 5 × 23.4 डेट इज 117 किलो जूल, ये हो जाएगा आंसर। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेना, मास उस गिवेन हो तो वो उतने का है, तो नेक्स्ट मास गिवेन हो तो मोल्स निकाल लो उसका कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना है, क्यों, क्योंकि ये सब कैसे हैं स्टेट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 298 केल्विन पे डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ एक्स इज गिवन टू यू एंड डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ एक्स इज गिवन टू यू, डेल्टा एच सब्लिमेशन निकालना है, तो यू नो सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया कि एक्स सॉलिड को एक्स गैस में ले जाना है, इसका निकालना है, तो इसको हम इनडायरेक्ट वे में भी ले जा सकते हैं, कैसे, एक्स सॉलिड से पहले क्या निकाल लेंगे एक्स लिक्विड, डैट इज फ्यूजन जो आपको गिवन है 2.8, फिर एक्स लिक्विड को एक्स गैस में, डैट इज वेपोराइजेशन गिवन है 98.2। चूँकि डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा जी डेल्टा एस ये सब स्टेट फंक्शन है, तो ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो सॉलिड टू गैस हम ऐसे भी जा सकते हैं या सॉलिड टू गैस ऐसे भी जा सकते हैं, दोनों का डेल्टा एच सेम होगा, इसलिए डेल्टा एच कितना हो जाएगा 101। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर फोर में हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल गिवन टू यू एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताना है एट 27 डिग्री सेल्सियस और कैलोरी में। तो ध्यान दो पहले पॉइंट पे, कंबशन इथेनॉल का लिखना है तो C2H5OH, चूंकि इथेनॉल अल्कोहल है लिक्विड फेज में मिलेगा इसलिए एल रखना है, क्यों, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस है। प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर, वाटर भी आपका क्या रहेगा लिक्विड में, क्यों, क्योंकि 27 अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो इसको फिर गैस में रखना पड़ता। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान देना है। रिएक्शन बैलेंस करना है, दो कार्बन है तो दो, आपको चोर वर्ड बता रखा हूँ, फिर हाइड्रोजन यहाँ टोटल 6 है तो यहाँ 3, इधर ऑक्सीजन 4 और प्लस 3 7 हो गया है, जबकि इधर ऑलरेडी 1 है, राइट। तो यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा, 3, 6 और 1, 7, और इधर 4 और 3, 7। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गए, इसलिए इसका डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी कितना होगा ध्यान से देखो, अब ये लिक्विड है इसका नहीं लेंगे, ये गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 माइनस, इधर ये गैस होगा तो 3, ये लिक्विड है नहीं लेना है तो ये आ गया -1। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में पॉइंट क्या मेंशन है, इथेनॉल का कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो डेल्टा एच होता है, वो कितना है माइनस में 327 किलो कैलोरी, हमें किस में निकालना है कैलोरी में, तो इनटू में 1000 इसको कर दो, इज इक्वल टू डेल्टा यू आपको निकालना ही है, डेल्टा एन जी माइनस में 1 है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी, टेम्परेचर 300, राइट। तो अब यहाँ से देख लो डेल्टा यू आ जाएगा माइनस में 327 000 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 600, तो ये कितना आ गया ध्यान से देखो 326 400 माइनस में, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ऐसे करना, और क्वेश्चन को बेटा ध्यान में रखना, समझना है कि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पे जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू बताओ तो सिर्फ क्या हो जाता है डेल्टा एन जी आर टी, या डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, इस टाइप से पूछ सकता है, या डेल्टा एच डेल्टा यू में कौन बड़ा होगा, राइट। तो फॉर्मूला जो है वो यही है, और इसको डिफरेंट वे में पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें अननोन क्या है, डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा एन जी और टी, राइट। आर तो एक फिक्स वैल्यू है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट रिएक्शन का फिक्स ही होता है, तो इन चारों में से कोई 3 दे करके चौथा पूछ सकता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 90 ग्राम वाटर अंडरगोज कंप्लीट इवेपोरेशन, और आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन गिवन है, दैट मीन्स वाटर लिक्विड से वाटर गैस, इसका डेल्टा एच आपको गिवन है 41 किलो जूल पर मोल, ये ध्यान रखना है एक मोल का गिवन है। तो अगेन वही फार्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इस केस में डेल्टा एन जी कितना हो गया 1, हमें क्या निकालना है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू क्या हो गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी 1 है, तो 1 × R 8.314, टी टेम्परेचर 373, और ध्यान दें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच किलो जूल में, तो ये आप करोगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 38 किलो जूल पर मोल, और कुछ बच्चे यहीं पे आंसर कर देते हैं। ये तो बेटा एक मोल का हुआ, आपसे पूछा गया 90 ग्राम वाटर का, मतलब 5 मोल्स का, तो इसलिए डेल्टा एच फॉर 5 मोल्स कितना हो जाएगा 38 × 5, डेट इज 190 के आसपास। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कभी इसमें क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड करना और क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाए रखना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस टू -5 डिग्री सेल्सियस इज, और ऑप्शन आपको गिवन थे डेल्टा एच फ्यूजन गिवन है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर लिक्विड का और सॉलिड का गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देख करके छोड़ ही देते हैं। देखो बेटा कैसे करना है, सिंपल ट्रिक से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 5 डिग्री सेल्सियस से मुझे कहाँ जाना, -5 डिग्री सेल्सियस में, तो पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा 5 से 0 डिग्री सेल्सियस में, जहाँ पे वाटर इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ, लिक्विड एंड सॉलिड का इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो आप पहले तो हमें 5 से 0 चला जाऊंगा, 5 से 0 में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, मोल्स 1 है तो Cp × ΔT, राइट, यही था डेल्टा एच का फॉर्मूला Cp × ΔT। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, Cp आपको गिवन है 75.3 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 5, ध्यान दें
यहाँ पे ये किलो जूल में और ये जूल में, बस यूनिट सबका ध्यान देना है। तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, ये कुछ भी वैल्यू आएगी, राइट? ध्यान से समझो। सिमिलरली डेल्टा एच, मैं अगर 0 से -5 का निकालूं तो उसके लिए भी सीपी आपको गिवन है 36.8 × 5, और अगेन 1000 से डिवाइड करूंगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और हमें यहां से यहां तक का निकालना है तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि आपका ये वाला वैल्यू जो सम मान लेता हूँ ये x, ये वाला वैल्यू y, तो x प्लस y प्लस, जो बच्चे गलती करते हैं, ये 6 किलो जूल, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये वो केस है जहाँ पे पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, राइट? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये होंगे। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 6 से ज़्यादा होने वाला है। ध्यान से देखो, ऑप्शन ऐसा एक ही है। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, इसलिए बेटा अपने माइंड को वहाँ पे एकदम कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे। ये एक रिएक्शन गिवन है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट? डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इधर ले आओ डेल्टा यू को, ये पूछा जा रहा है ये किसके बराबर है, डेल्टा एन जी आर टी। तो इनडायरेक्ट वे में डेल्टा एन जी आर टी पूछ रहा है, डेल्टा एन जी मैं निकाल सकता हूँ, यस, कितना हो जाएगा 1 माइनस, इधर 1 और प्लस हाफ, राइट? तो कितना हो जाएगा, माइनस में 0.5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में 0.5 आर टी, ऐसे दे सकता है। या फिर और कैसे दे सकता था कि डेल्टा एच ग्रेटर है डेल्टा यू से, ऐसा 4 ऑप्शन बना देगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल्टा एच डेल्टा यू में से कुछ माइनस करने से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एच से बड़ा है डेल्टा यू, ऐसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे पूछने के तरीके हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको क्लियरली ये सब आइडिया होना चाहिए। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये 5 आपको रिएक्शन दे दिया, और कितनी रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो ध्यान से देखो कैसे समझना होता है, यहाँ पे I2 गैस 2I में, मतलब आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी ये 2I मिलेगा। तो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो अभी साथ हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा, राइट? जैसे इसको ब्रेक करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए ये इंडोथर्मिक हो जाएगी, हीट चाहिए। वैसे ही HCl में बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, उसको ब्रेक किया गया है तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। वाटर लिक्विड को गैस में ले जाना है तो ये जनरल थिंग है, राइट? सब जानते हैं लिक्विड को अगर गैस में ले जाना है तो हीट देना पड़ेगा, तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन को बर्न कर रहे हो, तो कार्बन को जब भी बर्न करेंगे तो हीट रिलीज होगी, राइट? जहाँ पे भी कार्बन बर्न होता है तो आप दूर भागते हो क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, तो ये इंडो नहीं होगा। डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, चूँकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, तो डैट मीन्स वीक सॉल्ट हो गया एक तरीके से, तो इसको ब्रेक करने के लिए या डिजोल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएंगे 4। तो ये चीज़ पॉइंट में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी जो हीट कैपेसिटी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन होगा, तो हम एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, dH इज इक्वल टू होता है NCpdT, डिफरेंशियल फॉर्म में, इसी को इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो डेल्टा एच आ जाएगा, मोल्स एन कांस्टेंट है निकल गया, सीपी डेल्टा टी का इंटीग्रेशन रहेगा। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, एन बाहर रहेगा, सीपी आपका 23 + 0.01 × t है, तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या हो जाएगा, एन 23t + 0.01 t²/2, और आप लिमिट बैठा देंगे कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से देखो 300 से 1000, तो नीचे में 300 ऊपर में 1000, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो n 3 मोल्स है, ये 23 टाइम्स ऑफ टी, 1000 माइनस 300 कितना हो गया 700। ध्यान देना कि हमें जो पूछा गया आंसर वो किलो जूल में सब ऑप्शन है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना नहीं भूलेंगे, राइट? प्लस यहाँ पे इसका कैसे करोगे, तो ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई रहेगा, राइट? और ये 0.01 1000 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 300 का स्क्वायर बाय 2, ये सब कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 62 के आसपास आपको आंसर आ जाएंगे। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 23 3 10 69 मतलब 70 हो गया, तो 7 7 10 49, तो ऑलरेडी ये 49 है, राइट?
ये वाली वैल्यू कैसे, तो ध्यान से देखो ये हो गया 70 इंटू 7 बाई 10, तो ये 49 है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो यही होगा। कभी भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता बेटा, रफ़ी सर की तरह थिंक करना पड़ेगा। तो आई होप पूरा ये डेल्टा हैच आपका क्लियर होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप ये सारे प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेना और इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। थैंक यू।